और अंकल जी ओपन में फ्लोरा फाउंटेन खोलते हुए, फ्लोरा फाउंटेन ओपन में नहीं खोलने का, अंदर जाके झाड़ी में खोलने का बाबा। सो वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। और हम जा रहे हैं मेरे गांव। सुबह के बज रहे हैं 3:28 और द व्लॉग्स विल कम इन सीरीज। आज रात में सोया नहीं हूँ तो दैट इज द रीजन। मेरा सब क्या होता है कि मैं एंड मोमेंट पे सब पैकिंग करने लेता हूँ। मैं इसको, ये बड़ा लगेज को माउंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस बंजी रोप, लेकिन ये माउंटिंग आपको अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि इट्स नाइट टाइम, यू कांट सी एनीथिंग। सो ये मैं आपको दिखाऊंगा लोनावला पहुंचने के बाद। बाल को सेट करके ही जाना पड़ेगा, ब्लॉक करते वक्त बाल को संभालना होगा। सो मैं पनवेल पे फ्यूल अप करने वाला हूँ और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे लोनावला में। तो मैं पहले क्या करूंगा, अपना ये बोरिया बिस्तर पूरा सामान अपने भाषा में, ये पूरा मेरा लगेज है जो बाइक पे मैं माउंट करूंगा और जर्नी शुरू करते हैं। काफी अच्छी जर्नी होने वाली, स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सब मैं पहुंचा हूँ पनवेल के HP के पेट्रोल पंप पर। सभी मैंने यहाँ पे टाकी फुल कराई है एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स खोपोली एंड लोनावला। तो आगे की बातें मैं आपको खोपोली के हाईवे पे बताता हूँ वंस आई रीच। लेट्स गो बेबी। मैंने मुंबई सुबह 4:45 छोड़ी थी, मुझे एक्चुअली जाना था 3:00 बट मुझे लेट हुआ तो 4:45। सो प्रॉब्लम हुआ था कि ये बैग लगाने में मुझे प्रॉब्लम हुआ था तो इसकी वजह से बहुत सुबह टाइम पास हुआ, लेकिन नाउ इट्स ऑल गुड, सब अच्छा है। अभी मैं अभी खालापुर से 2 किलोमीटर आगे हूँ। सो अभी बज रहे सुबह के 6:55 एंड अभी आधे घंटे में हम लोग ट्राई करेंगे खोपोली पहुंचने 7:30 एंड बाय 8:15 वी शुड बी अराउंड, आई थिंक मे बी 8:30 वी शुड बी इन लोनावला। टाकी पूरा फ्यूल अप कर दिया है, पूरा टाकी फुल है। ढक्कन खोलोगे तो उसके नीचे पेट्रोल दिखेगा आपको। बहुत पैसा है हमारे पास। चलो भाई साहब अभी आगे निकलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप खोपोली। खोपोली में जाके चाय पियेंगे, चाय खोपोली में जाके चाय पियेंगे भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम। अभी हम लोग ने चौक क्रॉस कर लिया है और यहाँ पर दो बंदे साइकिलिंग करते हैं जा रहे हैं लोनावला शायद। और मैं आपको बता रहा था कि अभी मुझे और 12 मिनट बाकी है खोपोली पहुँचने के लिए, तो लेट्स सी। वैसे तो मैं कोई रेस नहीं लगा रहा खुद के साथ भी और किसी और के साथ, अपना टाइम लेके जा रहा हूँ। अभी सूर्य देवता अभी आराम से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन बाद में उनका उड़ी बाबा। चलो ऐसा ब्लॉगिंग मोड ऑन, अभी हम लोग डायरेक्ट उतर रुकेंगे खोपोली के इधर, ये बोले चाय की इधर। सो गाइस कैसे लगा आपको ये मॉर्निंग सनराइज, प्लीज कमेंट। सो गाइस अभी मैं खोपोली के शिवाजी चौक के यहाँ पर हूँ और कुछ ही टाइम पहले मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और यहाँ पर मेरी बाइक है और ये बोले में मैंने एक चाय लिए है और यहाँ से अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे। मैं अभी यहाँ से खंडारा का घाट स्टार्ट होता है, तो मेरे साथ एक डिसअपॉइंटमेंट हो गई है कि बहुत लोगों को पता होगा जो मेरे दोस्त थे मुझे अच्छे से जानते हैं, बहुत बार क्या होता है मैं वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन ही करना भूल जाता और मैं उसमें इतनी एनर्जी डालता हूँ कि कुछ टाइम बाद मुझे पता चल जाता है कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ भाई साहब। सो ये डिसअपॉइंटमेंट था, कोई बात नहीं। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको और जो भी सुन रहे हैं कि लाइफ में बहुत सारे तुम लोग अटेम्प्ट्स करते हो लेकिन हर एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा, किसी कुछ गारंटी नहीं है। सो कीप ऑन ट्राइंग। चलो विल क्लाइम खंडाला घाट। लाइफ में एक ही अटेम्प्ट नहीं होता, बहुत सारे अटेम्प्ट मिलते हैं किसी भी चीज़ के। सो डोंट लूज फेथ एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। टेम्पो आराम से जा रहा है मेरा भाई, लेकिन हम इसको ओवरटेक करके आगे जाएंगे। सो वी आर इन द घाट सेक्शन ऑफ द खंडाला। ये खंडाला घाट ब्रिटिश के टाइम बनाया है, इधर का लोकल ये रस्से से जाता था, तभी ये ब्रिटिश को उसका रास्ता समझ आया और फिर उसने ये खंडाला घाट बना दिया और फिर अंग्रेज लोनावला खंडाला में उनका हिल स्टेशन हो गया आराम करने के लिए। ऑफिसर्स जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ये एक टूटा फूटा सच्चाई का सच है और इस घाट में एकदम पीसफुल लग रहा है मुझे। तो हाँ, तो एक दोस्त मुझे बता रहा था कि यू शुड ट्राई व्लॉगिंग इन मराठी। सो उसको मैं आंसर ये देना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं व्लॉगिंग करने स्टार्ट किया था तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में व्लॉगिंग करना था, लेकिन ड्यू टू मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी फ्लुएंट नहीं है
because my English is not fluent that much. So I decided to drop English और मैंने start किया हिंदी में vlog बनाना. और कोई बुरी बात नहीं है, हमारी भारत में काफ़ी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है. और मैं महाराष्ट्र हूँ, आई एम मराठी, आई एम मुंबईकर. सो मैंने सोचा कि मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी भी जानते हैं. हाँ, तो मैं बता रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है. इफ़ आई एम डूइंग समथिंग आई वॉन्ट इट टू रीच टू द मैक्सिमम पीपल हु आर इन माई सर्कल एंड मोस्ट कैन अंडरस्टैंड हिंदी. बट दैट डजंट मीन्स दैट मैं मराठी में व्लॉग नहीं बनाऊंगा. ऐसी कोई बात नहीं है, मी मराठी मध्ये व्लॉग बनवणार. टेन्शन नका घेऊ, मराठी रसिक तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, तुमच्यासाठी मराठी व्लॉग स्पेशल येणार. स्पेशल बघू, आता काय सांगता येत नाही की ह्या सिरीजमधला एक व्लॉग मराठीत बनवू शकतो, हु नोस. अँड इंग्लिश इज ऑल्सो माय पॅशन. आय ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टार्ट अ व्लॉगिंग इन इंग्लिश बट आय एम नॉट दॅट फ्लुएंट इन इंग्लिश. यू सी बाबा रे कितना ट्रॅफिक आहे रे बाबा, लोनावला में रुकेंगे. बाबा रे चला कुठं रस्ते आहे की रस्ते इतना सुबह सुबह रे ट्रैफिक हो गया रे बाबा, लोनावले के घाट में ट्रैफिक. वाह 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 वाह. दिल के अरमासुओं में बह गए, क्या बोलेंगे भाई. ए भाई साहब, भाई साहब गार्डन में गाड़ी चला रहे इतना आराम से. MH06 AN 8413, तेरा तो चलान काटना चाहिए रे बाबा. दोस्तों के साथ बात करते चला रहे गाड़ी माउंट अल्टेरा. और अंकल जी ओपन में फ्लोरा फाउंटेन खोलते हुए, ऐसा नहीं करने कर बाबा. फ्लोरा फाउंटेन ओपन में नहीं खोलने का, अंदर जाके झाड़ी में खोलने का बाबा, समझे क्या. इतना एंटरटेनमेंट तो देना चाहिए ना यार. ये ऐसा मोटो लोग रास्ता देख के कोई देख के क्या करे यारी बाबा. चलो बहुत सारी गर्दी है. नो एंट्री फॉर हैवी व्हीकल्स, नो एंट्री. हमारी बहुत हल्की रे बाबा, 137 किलो. अभी मैं यहाँ पे मस्त में रुकूंगा और फोटो खींचूंगा रे बाबा. लोनावला आ गया रे. तो मेरी बहुत इच्छा है कि ये व्लॉग सक्सेसफुल हो जाए रे, पर मेन तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना बाबा. एंटरटेनमेंट के विदाउट कुछ नहीं चलता है. तबका येड़ा, ये तो ये ऑपोजिट साइड रे बाबा, कोणाला तक घेऊन जाशील रे बाबा. और 8:15 बज गए हैं. तो पहला व्लॉग क्या करते हैं बंदे लोग मुंबई से लेकर. मुंबई तो है नहीं, मैं मुंबई का शूटिंग ही नहीं किया. डायरेक्ट मैंने स्टार्ट किया कैमरा खंडाला के घाट में. उस इधर थोड़ा रिस्की है, देखते रुक के कैसा लग रहा है. इधर पूरा दारू का बाटली पूरा गंदा कर दिया है मेरा भाई. और ये एक्सप्रेस हाईवे है रे बाबा, यहाँ से जाने को नहीं देता है हमको. मेरे सामने जा रही है R1, जो कि ऑल्सो इज माई वन ऑफ द ट्रेन बाइक, बट लेटेस्ट मॉडल वर्जन 4, नॉट द ओल्डर वर्जन. और बचपन में मुझे FZ अच्छी लगती थी, लेकिन उसका बाप वर्जन ये अभी वाला है जो मैं यूज़ करता हूँ. उसके आगे भी आ सकता है, लेकिन I love my bike so much that I can't express my feelings in words. अभी यहाँ पर रुकना चाहिए, मस्त स्पॉट है. ये तो बस चलो तो मैं गाड़ी भी नीचे उतर रे बाबा. चलो भाई साहब, जिसका मुझे था इंतजार. चलो भाई साहब, गाइस देख सकते हो यहाँ से नीचे एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे. और यहाँ से नीचे इंसान गया तो उसका गेम ओवर हो जाएगा भाई, गेम ओवर. तो गाइस अभी मैं ये लोनावला की फेमस पॉइंट पर हूँ. आई होप मेरा माइक चल रहा है. और दिस इज द व्यू. This view is most pleasant in the monsoon time, but now you can see this is the foggish view. और वहां पे देख सकते हैं, on my two fingers there are the two forts of Rajmachi, Manaranjan and Srivardhan, the both forts I visited. हाँ हाँ हाँ, गॉगल पहनने के बाद व्यू अच्छा दिख रहा है यहाँ से. और मुझे क्यों पता नहीं चल रहा है,
या फिर लोग आने के बाद मुझे ऐसी एंग्जाइटी आ रही है कि मैं एक ब्लॉग पे क्या बात करूंगा। गॉगल पहनने के बाद जरा व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वरना यहाँ पर पूरा फॉगिश एटमॉस्फियर। और आज खूब अच्छा क्लाइमेट है, ऊपर बादल नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मेरे गांव की तरफ बारिश हो रही है। और अभी मैं व्लॉगिंग यहाँ से आगे थोड़ा स्टॉप करूँगा एंड आई विल रिज्यूम व्लॉगिंग व्हेन आई एग्जिट लोनावला एंड गेट ऑन द देहू रोड। एक्चुअली ये व्लॉग इधर खत्म कर रहे हैं। तो गाइज क्या लगता है आपको, यहाँ पे व्लॉग खत्म करना चाहिए? कर सकते, कोई बात नहीं। सो अभी ये व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग होगा जिसमें मैंने बहुत सारी बकबक की है घाट पे चढ़ते हुए। तो ये व्लॉग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अगले व्लॉग में मिलेंगे दोस्तों। मैं अगले व्लॉग में, मतलब मैं तो अभी एक ही दिन में व्लॉग करूंगा, लेकिन आप देखेंगे अगले दिन। थैंक यू वेरी मच गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज Do like the video and subscribe if you are new to the channel. So thank you, bye bye. You stay tuned for the next vlog, vlog number 2. Thank you guys.